सो हेलो एवरीवन, आपका बहुत स्वागत है द अननोन फैक्ट्स में। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है 10 वायरसेस दैट इफेक्टेड द वर्ल्ड, जिन वायरसेस ने हमारे वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है। तो उनमें से सबसे पहला है इबोला वायरस। इबोला वायरस जो है वो फरवरी 2014 में स्टार्ट हुआ था इन द वेस्ट अफ्रीका। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो है डायरिया होना, नौजिया होना, वॉमिटिंग होनी, आपके जॉइंट्स में पेन होना, आपके चेस्ट में पेन होना और डिहाइड्रेशन होनी। ये जो इबोला वायरस है ये बहुत इजीली ट्रांसमिट होने वाला डिजीज़ है, जो कि आपके नोजी से, आपके डायरिया से, आपके सलाइवा से या फिर किसी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स थे अब तो बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में फिनिश हो चुके हैं और इसकी हर जगह वैक्सीन अवेलेबल है और वर्ल्ड इससे फ्री हो चुका है। तो सेकेंड वायरस जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है द कोलेरा वायरस। कोलेरा वायरस मेनली स्टार्ट हुआ था जयसोर इंडिया में 1817 में। इसका मेन रीज़न था कॉन्टेमिनेटेड वाटर, यानी कि गंदा पानी। जो कोलेरा वायरस था उसके मेन जो रीजन्स थे वो गंदे पानी के थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पूरे वर्ल्ड काफ़ी वर्ल्ड कैसे एरिया थे जिसमें ड्रेनेज सिस्टम्स नहीं थे और लोगों के पास वॉशरूम्स नहीं थे। इस वजह से जो गंदा पानी था वो रिवर्स में जाता था और उसी हाथों से लोग खाना भी खाते थे और हाथ एक दूसरे से मिलाते थे। इसके जो मेन सिम्टम्स थे वो था लूज डायरिया, यानी कि लूज मोशन होनी, वॉमिटिंग होनी और हमारे एब्डोमेंस में पेन होनी। तो उस टाइम पे इसकी वैक्सीन तो नहीं बन पाई थी, पर एक इलाज इसका ये मिला था कि जब भी हम कहीं से पानी यूज़ करते हैं तो उसको गर्म करके यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर पानी कोई और है तो उसके अंदर हम क्लोरीन ऐड कर सकते हैं और एक मिनट के लिए वेट कर सकते हैं, और हमेशा हमें अपने हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए और कोई काम करना चाहिए। तो हमारी जो तीसरी चर्चा का विषय है वह द फ्लू वायरस, जो कि स्टार्ट हुआ था 1580 में और जो लास्ट किया था 1919 तक। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था रशिया और यूरोप में, जिसने स्पेनिश सिटीज़ कई बर्बाद कर दी थी। जो इसका मेन बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ था उसका नाम है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और जिसको हम इन्फ्लुएंजा ए भी बोल सकते हैं। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं फ्लू वायरस के वो है हेडेक होना, हाई फीवर होना या फिर डिहाइड्रेशन होना, भूख ना लगनी, ये कई इनमें से है जिनकी वजह से ये होता है। चौथी जिस चीज़ के बारे में सुनने जा रहे हैं उसका नाम है प्लेग वायरस, जो कि स्टार्ट हुआ था 1353 में, और इसको हम ब्लैक डेथ भी बोल सकते हैं, जिसका मेन रीज़न था रैट्स। वायरस था इतना डेंजरस था कि जो रैट्स थे उनको खुद को भी प्लेग हो गया था एक बार, और उनकी खुद की भी बहुत सारी डेथ हुई थी, जिसकी वजह से प्लेग और ज़्यादा फैल गया था। जो प्लेग के सिम्टम्स थे वो ये थे कि हमारे एब्डोमेन में पेन होना, चेस्ट पेन होना, वॉमिटिंग होनी, डायरिया होना, हाई फीवर हो जाना, और सबसे जो मेन सिम्टम था वो था कि मुंह से ब्लड निकलना। ये ऐसा वायरस है जब कई सिटीज़ को इसने इफ़ेक्ट किया था तो उन सिटीज़ के लोगों ने ठान लिया था कि इसको वायरस को हटा कर रहेंगे, और अब वो सिटीज़ जिनमें ये वायरस सबसे ज़्यादा फैला था, अगर हम देखें इस वक्त में, उन सिटीज़ को सबसे ज़्यादा साफ का अवार्ड मिल चुका है। जो मेन बैक्टीरिया था जिसकी वजह से ये वायरस फैलता जा रहा था उसका नाम था यर्सीनिया पेस्टिस, और अब ये हमारे वर्ल्ड में ना के बराबर रह गया है। फिफ्थ वायरस जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है एचआईवी एड्स वायरस, जिसके बारे में सभी को पता होगा। एचआईवी एड्स वायरस स्टार्ट सबसे पहले चिंपैंजीज में हुआ था और जो कि फिर ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो गया था। 20 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था द किनशासा में इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। के जो मेन सिम्टम्स थे वो बिल्कुल फ्लू वायरस जैसे सिम्टम्स थे, जिसमें हेडेक होना, वीकनेस होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना आपका, और आपकी स्किन पे रैशेज आ जाने, हमारी टंग वाइट हो जानी। इसके होने के जो मेन रीजंस थे वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट था, या यूज्ड नीडल्स कभी यूज़ हो सकती हैं, जिसके ब्लड में अगर ये फैला होता है उसके अगर उसका ब्लड शेयर किया जाए, या कई बार इंसान डोनेट करता है ब्लड, तो उस टाइम ये वायरस फैल गया था और ट्रांसफ़र हुआ था दूसरे लोगों में। एक ऐसा वायरस है जो एक माँ से न्यूबॉर्न बेबी में भी हो सकता है। जो पर्सन इस वायरस से इफेक्टेड होता है उसे पूरी मेडिकेशन तो मिल जाती है और इलाज मिल जाता है, पर वो उसकी कंडीशन चेंज नहीं हो पाती है। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट वायरस की बात करने जा रहे हैं, जो कि है कोरोना वायरस, जो कि आप सभी को पता होगा शुरू हुआ था चाइना की वुहान सिटी से, और ये बहुत ही आराम होली होली दूसरी कंट्रीज़ में भी फैल गया। इंडिया में इसके सिम्टम्स बिल्कुल ना के बराबर थे, और जितने भी इंडिया में पेशेंट्स आए हैं सब के सब फॉरेनर्स हैं।
इस वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पर लॉकडाउन चल रहा है और हर किसी को यही बोला जा रहा है कि हमेशा ग्लव्स और मास्क डाल के रखा जाए और एवरी टाइम हमें अपने हाथ वॉश करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत इजीली स्प्रेड हो सकता है, किसी के हैंडशेक से, किसी की सांसों से भी ये शेयर हो सकता है। माना जाता है जो वायरस है सबसे ज़्यादा बैट्स की वजह से स्प्रेड होता है, क्योंकि वुहान चाइना में या फिर पूरे चाइना में हर जगह पर बैट्स बिकते थे और बैट्स का सूप और बैट्स को खाया जाता था। एक ऐसा वायरस है कि जो डॉग्स और कैट्स को नहीं हो सकता, पर उनके ओनर से ये ट्रांसमिट हो जाता है उनमें। अभी तक इस वायरस की वैक्सीन नहीं बनी है, पर पूरे वर्ल्ड की जो लेबोरेटरीज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो इसकी वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है और हर जगह पर नो हैंडशेक मूवमेंट चलाया जा रहा है ताकि ये कम से कम फैले। इस वायरस के जो मेन सिम्टम्स हैं वो विद इन 3 डेज में पता लग जाते हैं, जिसके अंदर आपको हाई फीवर और ड्राई कॉफ हो जाती है। उसके बाद 4th या 5th डे आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं कि उन्हें कोरोना वायरस है अगर उन्हें सिर्फ बुखार हो, पर ऐसा नहीं है। बुखार के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत हो तो ही कोरोना वायरस का पता लगता है। वायरस के केसेस चाइना में अराउंड 81,000 के करीब हैं और उनमें से 10,000 की डेथ हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड में इस वायरस से बचने के लिए जो भी इन वायरस से या फिर इन्फेक्टेड होता है उनके लिए आइसोलेशन वाले रूम बनाए जा रहे हैं ताकि वो किसी से मिलजुल ना पाए और वो जो वायरस है वो और किसी में पास हो। पूरे वर्ल्ड में अराउंड 10,27,237 लोग हैं जो इससे इन्फेक्टेड हैं और उनमें से 51,000 के अराउंड लोगों की डेथ हो चुकी है। और वही इंडिया में इसके केसेस अराउंड 3100 के आसपास हैं और 81 डेथ्स इंडिया में हो चुकी है। थैंक यू आप सबका मेरी वीडियो को इतना टाइम देने के लिए, और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।